गुरुदेव को प्रणाम। क्या शिक्षा प्राप्त की है तुमने? बस चतुर्वेद, दशोपनिषद और अष्टादश पुराण का ज्ञान लिया है, किंतु आपके सामने तो छोटा सा जीव हूँ मैं। तुम अपने बारे में ठीक समझे हो, तुम एक छोटे से जीव हो। मुख का रंग बदल गया है, जैसा इसने कहा था वैसा ही मैंने भी कहा है। सच्चाई का सामना करना ही अद्वैत कहलाता है। क्यों स्वामी, हट जाओ कह रहे थे तुम्हारे शिष्य। इस तरह हट जाओ बोलना क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? सुना है तुम प्रचार कर रहे हो कि सब एक है, सब एक है। क्यों है? एक छोटा सा प्रश्न है। तुमने जो ये दंड पकड़ रखा है, लोग इसे प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या है दंड और प्रणाम एक होगा स्वामी? शिव शिव शिव। एक और बेकार प्रश्न। तपस्या करते समय इसी तरह नाक पकड़ते हैं, शराब की बदबू से भी इसी तरह नाक पकड़ते हैं। वो पकड़ना ये पकड़ना क्या एक ही है स्वामी जी? शिव शंकर। स्वामी, वो शिव तो लोगों का पालक है, यहाँ मैं काशी शमशान का पालक हूँ, तुम्हारा शिव और मैं दोनों एक ही हैं, मैं कहता हूँ, तुम क्या कहते हो? ए, तुम चंडाल हो। हम जैसे सन्यासी, साधु और पंडितों के घूमने वाली इन गलियों में आकर तुम मदिरा के नशे में ये क्या बकवास कर रहे हो? दूर हो जाओ। मीठी ठंडाई मैंने पी है, सुनो एक कड़वा सच बताता हूँ। मैं हूँ एक चांडाल, समझे? इस तरह दूर जाओ कहने वालों को अंत में मेरे ही पास आना पड़ता है। मर्यादा रखते हुए यहाँ से दूर हो जाओगे, नहीं तो। ये क्या स्वामी, शिव के गले में सांप ने कभी डंक नहीं मारा और तू क्या इतना गुस्सा दिखा रहा है? ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं दूर चला जाता हूँ। और दूर चला जाता हूँ। मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ तुम भी वहीं खड़े हो, फिर अछूत नहीं हुए क्या? जिस आकाश के नीचे मैं खड़ा हूँ तुम भी उसी आकाश के नीचे खड़े हो, क्यों हो गए ना छूत? इस चांडाल से गुजरने वाली हवा भी तुम्हारे पास से गुजर रही है, उससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? मैं जिस गंगा में डुबकी लगाता हूँ तुम भी उसी गंगा में डुबकी लगाते हो, गलत नहीं है क्या? झूठे हो तुम, बोलो। ये पुराण सब छोड़ दो, बस एक बात बताओ, तुम जिसे दूर भगा रहे हो वो आग में जलकर राख होने वाला बदबूदार शरीर है, जो अग्नि में जल जाता है वो शरीर होता है, आत्मा नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटतरा या संविद जृंभते या ब्रह्म
ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चण्डालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषामनीषा मम।